रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद सौंफ जरूर सर्व की जाती है। और वैसे भी दोस्तों, पुराने जमाने से लोग खाना खाने के बाद सौंफ जरूर खाते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों किया जाता है कि खाना खाने के बाद आपको सौंफ दी जाती है? दरअसल दोस्तों, आयुर्वेद में सौंफ को एक बहुत अच्छा माउथ फ्रेशनर बताया गया है। साथ ही साथ सौंफ को हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा बताया गया है। मान लीजिए अगर आप खाना खाने के बाद हर रोज सौंफ खाते हैं तो ऐसी ढेरों बीमारियां हैं जो आपकी जड़ से खत्म हो जाएंगी। दोस्तों सिर्फ एक छोटा सा बदलाव जो आपको अपनी जिंदगी में करना है कि खाना खाएं तो उसके बाद आपको सौंफ जरूर खानी है। आधा चम्मच से एक चम्मच सौंफ खाने से आपकी जिंदगी में जो बदलाव आएगा आप हैरान हो जाएंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे खाना खाने के बाद सौंफ खाने से आपकी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। तो प्लीज आज की वीडियो के साथ बने रहें और आज के इस हेल्थ एपिसोड को जरूर देखें ताकि आप जान पाएं कि खाना खाने के बाद सौंफ खाने के दरअसल क्या फायदे हैं। दोस्तों दरअसल सौंफ के अंदर ढेर सारा फाइबर होता है। जब भी हम खाना खाते हैं और उसके बाद जब सौंफ खा लेते हैं तो ये हमारे खाने को बहुत जल्दी पचाती है। अगर आपका खाना अच्छे से पच जाए तो वो आपकी बॉडी के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि हमारा खाना जब अच्छे से पचता है तो उसके अंदर का न्यूट्रिशन हमारी बॉडी अच्छे से अब्सॉर्ब कर पाती है और यही न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को चलाने में मदद करता है। इसलिए दोस्तों जब भी आप खाना खाने के बाद सौंफ खाएंगे तो इससे आपका खाना बहुत जल्दी पचेगा। खाना अच्छे से पचेगा तो आपको ढेर सारे फायदे होंगे, क्योंकि जब खाना अच्छे से पचता है तो हमारा खून साफ रहता है और खून साफ रहने से आपके चेहरे पर कभी भी पिंपल्स नहीं निकलते। यानी कि अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं तो आप खाना खाने के बाद सौंफ जरूर खाएं, क्योंकि जब आप खाना खाने के बाद सौंफ खाएंगे तो इससे आपका पेट स्वस्थ रहेगा और पेट स्वस्थ रहने से आपका खून साफ रहेगा और खून साफ होने से आपके चेहरे के पिंपल्स गायब हो जाएंगे। लगातार एक महीना खाना खाने के बाद अगर आप सौंफ खाते हैं तो चेहरे के पिंपल्स को आप बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं तो किसी तरह की क्रीम लगाने की जरूरत ही नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की दोस्तों कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ खाना खाने के बाद सौंफ खाएं, चेहरे के पिंपल्स बिल्कुल गायब हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके बाल झड़ते हैं तो खाना खाने के बाद आप सौंफ खाएं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों दरअसल सौंफ के अंदर वो सारी चीजें हैं जो आपके बालों की जड़ों को न्यूट्रिशन दे सकती हैं। साथ ही साथ सौंफ खाने से हमारे ब्लड का सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है, जिससे हमारे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। लगातार एक महीना खाना खाने के बाद अगर आप सौंफ खाते हैं तो आपके बालों का झड़ना एक महीने में ही रुक सकता है और आपके बाल लंबे और घने भी हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर जोड़ों में दर्द हो तो खाना खाने के बाद सौंफ जरूर खाएं। जोड़ों के दर्द को ठीक करने के लिए भी सौंफ बहुत ही अच्छी है, क्योंकि सौंफ हमारी बॉडी में गैस की प्रॉब्लम को खत्म करती है। अगर आपके पेट में ज्यादा गैस बनती है तो ये सौंफ उसको खत्म करती है और गैस ही हमारी बॉडी में दर्द का सबसे बड़ा कारण होती है। इसलिए दोस्तों जब आप सौंफ खाते हैं तो इससे आपका वात दोष दूर होता है और आपके जोड़ों का दर्द बिल्कुल ठीक होने लगता है। अगर आपके घुटनों में बहुत दर्द रहता है, आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, आप साइकिल नहीं चला पा रहे हैं, तो प्लीज आप हमारे कहने पर लगातार एक महीना खाना खाने के बाद सौंफ खाकर देख लीजिए। दोस्तों इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हजारों सालों से लोग ऐसा करते आ रहे हैं और बहुत स्वस्थ थे उस समय लोग। लेकिन आजकल हम लोग खाना खाने के बाद सौंफ खाते ही नहीं है, कुछ लोगों को पसंद नहीं है और कुछ लोगों ने अपनी इस आदत को छोड़ दिया है। तो प्लीज आप खाना खाने के बाद सौंफ खाएं ताकि आपके घुटनों का दर्द, आपके जोड़ों का दर्द ठीक रहे। इतना ही नहीं दोस्तों, सौंफ कैंसर जैसी घातक बीमारी को भी जड़ से खत्म करती है, क्योंकि सौंफ के अंदर ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कार्सिनोजेनिक गुण होते हैं। इसी कारण से दोस्तों सौंफ हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को डैमेज करती है और कैंसर जैसी घातक बीमारी से हमें बचाकर रखती है। क्या आपको पता है कि हर एक की बॉडी में कैंसर के सेल्स होते हैं? आपकी बॉडी में, मेरी बॉडी में, सभी की बॉडी में कैंसर के सेल्स हैं। लेकिन कैंसर के सेल्स जब बहुत स्पीड से बढ़ने लगते हैं तो ये हमारी बॉडी में ट्यूमर पैदा कर देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में कैंसर के सेल्स ज्यादा ना बढ़े तो आपको एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीजें खानी चाहिए, जैसे कि सौंफ। सौंफ खाने से आपकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स है वो डैमेज होते हैं, क्योंकि सौंफ एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और ये हमें कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचाकर रखती है। सौंफ दोस्तों हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भगवान का दिया हुआ हमें एक नायाब तोहफा है, एक ऐसा गिफ्ट है जो आपको बीमारियों से बचाता है। इम्यूनिटी को आप अपनी बॉडी की एक शील्ड समझ सकते हैं जो आपको वायरसेस और बैक्टीरिया से बचाती है। लेकिन हमारे गलत खान पान की वजह से और डाइजेशन खराब होने की वजह से ये जो शील्ड है ये खराब हो जाती है, ये शील्ड कमजोर हो जाती है। अब किसी व्यक्ति की अगर इम्यूनिटी मजबूत है तो उस व्यक्ति पर कभी कोई बीमारी अटैक कर ही नहीं सकती। जिन लोगों की इम्यूनिटी मजबूत है उन पर इस वायरस का कोई असर ही नहीं होता, और अगर उन पर यह वायरस आ भी जाए तो एक दो दिन में उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सौंफ को आप खाना खाने के बाद जरूर खाएं, क्योंकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती है। यहां तक कि दोस्तों ये डायबिटीज के मरीजों के लिए भी बहुत अच्छी है।
डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो आज की मेडिकल साइंस ये कहती है कि डायबिटीज ठीक हो ही नहीं सकती। आज की मेडिकल साइंस के हिसाब से चलें तो आपको जिंदगी भर डायबिटीज की दवाई खानी ही पड़ेगी। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो लोग दवाई खाते हैं उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती जाती है और यही फंडा है कि आपकी डायबिटीज ठीक नहीं हो पाती, क्योंकि जब आप दवाई लेते हैं तो इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं। लगातार 5 साल 10 साल जब आप डायबिटीज की दवाई लेते हैं तो आपको दवाई की आदत हो जाती है और आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। आपकी किडनी और आपके लीवर भी दोस्तों डैमेज होने लगते हैं, क्योंकि आपके लीवर और किडनी को आपकी दवाइयों को पचाने के लिए, आपकी दवाइयों को फिल्टर करने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है। इसलिए दोस्तों अगर आप दवाइयां खाते हैं तो प्लीज दवाइयों को बंद करें, इसकी जगह पर डायबिटीज के लिए आप अपनी डाइट में कंट्रोल करें। अगर आप अपनी डाइट में सौंफ को शामिल करते हैं, खाना खाने के बाद अगर आप सौंफ खाते हैं तो डायबिटीज जैसी घातक बीमारी को आप आसानी से जड़ से खत्म कर सकते हैं। जब आप सौंफ का सेवन करेंगे तो इससे आपका पैनक्रियाज ज्यादा इंसुलिन के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेगा, जिससे आपकी जो शुगर है वो एनर्जी में बहुत तेजी से कन्वर्ट होने लगेगी। तो दोस्तों इस तरह से सौंफ के जरिए आप डायबिटीज को भी ठीक कर सकते हैं। दोस्तों सौंफ के अंदर आयरन की मात्रा बहुत होती है और ये हमारी बॉडी में खून की कमी को भी दूर करती है। इसलिए दोस्तों पुराने जमाने में लोग सौंफ को खाना खाने के बाद खाते थे ताकि उनकी बॉडी में खून की कमी ना रहे, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में खून की कमी है तो बॉडी में बहुत से रोग होते हैं। ये खून की कमी ठीक उसी तरह से है जिस तरह से अगर आपकी गाड़ी के इंजन में इंजन ऑयल की कमी हो जाए। अगर इंजन ऑयल की ही कमी है तो वो इंजन अच्छे से काम नहीं करता, धीरे धीरे वो इंजन सीज भी हो सकता है। उसी तरह से ही अगर हमारी बॉडी में खून की कमी है तो हमारी बॉडी अच्छे से काम नहीं करेगी और समय पड़ने के साथ साथ हमारी ये जिंदगी की गाड़ी रुक भी सकती है। इसलिए दोस्तों खून की कमी बॉडी में ना हो तो आयरन युक्त चीजें खाएं। पुराने जमाने में तो लोगों के घरों में लोहे के बर्तन थे। लोहे के बर्तन में सब्जी बनाने पर सब्जी में लोहे का कंटेंट यानी कि आयरन का कंटेंट बढ़ जाता था, जिससे कि पुराने जमाने में लोगों की बॉडी में खून की कमी होती नहीं थी। लेकिन आजकल कोई घर ही ऐसा होगा जिसमें लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल होता है, नहीं तो हम लोग एल्यूमिनियम और नॉनस्टिक के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। एल्यूमिनियम के बर्तन कैंसर का बहुत बड़ा कारण है और नॉनस्टिक के बर्तन हमारे खाने को जला देते हैं, क्योंकि जो हमारा खाना है वो नॉनस्टिक में अच्छे से बन ही नहीं पाता। आई होप फ्रेंड्स आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से हमने अपने पुराने लाइफस्टाइल में और आज के लाइफस्टाइल में चेंज किया है, जिससे कि बीमारियों को हम बढ़ावा दे रहे हैं। दोस्तों हो सकता है कि आपकी बॉडी में खून की कमी हो लेकिन आपको मालूम ही ना हो। प्लीज आप अपने परिवार का और खुद का एक बार हीमोग्लोबिन टेस्ट जरूर करवाएं। आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में कितना खून है। अगर खून की कमी है तो प्लीज सौंफ को अपनी डाइट में शामिल करें। अगर आप खाना खाने के बाद लगातार 1 महीना भी सौंफ खाते हैं तो खून की कमी को आप जड़ से खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, मेमोरी पावर को बूस्ट करना चाहते हैं, नर्वस सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं तो सौंफ का इस्तेमाल करें। छोटे बच्चों की अगर मेमोरी वीक है तो उन्हें भी सौंफ खिलाएं, क्योंकि सौंफ खाने से हमारा दिमाग तेज होता है। ऐसे ही नहीं दोस्तों सौंफ को हमारी डाइट में शामिल किया गया, ऐसे ही नहीं सौंफ को हमारे घर की किचन में रखा गया, ऐसे ही नहीं आयुर्वेद ये कहता कि सौंफ बॉडी के लिए अच्छी है। सौंफ में वाकई बहुत सारे गुण हैं, ये हमारे वजन को भी कम करती है। अगर आपकी बॉडी में मोटापा आ चुका है तो खाना खाने के बाद सौंफ जरूर खाएं। अगर आप खाना खाने के बाद हर रोज सौंफ खा रहे हैं तो आपका वजन कभी नहीं बढ़ेगा। अब अगर आपका वजन बहुत बढ़ चुका है तो आप लंच और डिनर दोनों के बाद जरूर सौंफ का सेवन करें। इससे आपका वजन तेजी से कम होने लगेगा और 15 से 20 किलो वजन आप 2 से 3 महीने में बिना डाइट और एक्सरसाइज के कम कर सकते हैं। वजन को कम करना है तो सबसे बढ़िया तरीका है खाना खाने के बाद सौंफ का सेवन जरूर करना। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाना चाहते हैं तो सौंफ, मिश्री और बादाम तीनों को बराबर मात्रा में लेकर मिक्स कर लीजिए और 1 गिलास दूध के साथ 2 से 3 चम्मच आपको इस सौंफ के और इस मिश्रण के लेने हैं। लगातार 3 महीने ऐसा करने से आपकी आंखों का चश्मा उतर जाएगा और आपकी आंखों की रोशनी तेज हो जाएगी। दोस्तों आंखों की रोशनी को मजबूत करने के लिए ये नुस्खा बहुत ही अच्छा है। सौंफ, बादाम और धागे वाली मिश्री, इन 3 चीजों को अच्छे से मिक्स कीजिए, ग्राइंडर में इसका पाउडर बना लीजिए और इसे आप 1 गिलास गाय के दूध के साथ 2 से 3 चम्मच लीजिए। दिन में किसी भी समय ले सकते हैं और आपका चश्मा उतर जाएगा। इसके अलावा दोस्तों लीवर के लिए सौंफ बहुत ही अच्छी है। अगर आपको लीवर सिरोसिस या फैटी लीवर की प्रॉब्लम है तो प्लीज आप सौंफ का सेवन करें, आपकी ये प्रॉब्लम भी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो देखो दोस्तों किस तरह से सिर्फ एक सौंफ हमारी ढेरों बीमारियों को ठीक कर सकती है। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या आज की मेडिकल साइंस में इतनी ताकत है? क्या आज की मेडिकल साइंस में सिर्फ एक दवाई आपकी 10 बीमारियां ठीक कर सकती है?
बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, यह सिर्फ आयुर्वेद है जिसकी जड़ी बूटियां, जिसकी औषधियां, एक एक औषधि 10-10, 20-20 बीमारियों पर भारी है। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना कभी ना भूलें, क्योंकि आपके शेयर से किसी दूसरे व्यक्ति की मदद हो सकती है और उसकी बीमारियां दूर हो सकती हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ना बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और आपके पास हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। ऐसी ही वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।